हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मटन कैसे बनाते हैं देसी स्टाइल में। मटन को अच्छी तरह धो लेंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हल्दी पाउडर लेंगे, नमक लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। लहसुन का पेस्ट मैंने अच्छी तरह पीस लिए हैं। अब सब कुछ मटन में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिर आधा कप तेल ले लेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब एक घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे। मीट करने के बाद मीट का स्वाद और बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें तेल डाल देंगे। अब तेल मेरा गरम हो चुका है, अब इसमें खड़ा जीरा डाल देंगे और तेज पत्ता डाल देंगे। अब अच्छी तरह से सुगंध आने देंगे। अच्छी तरह से सुगंध आने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से उसको लाल होने तक भूनते रहेंगे। अब इसमें खड़ा लहसुन डाल देंगे। लहसुन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मटन वाला। प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मटन को भी एक घंटा मैरिनेट मैंने कर दिया था। अब देखिए मैरिनेट बड़ी अच्छी तरह हो गया, अच्छी तरह मसाले मिल गए। अब मटन को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और झाप झाप कर भूनते रहेंगे। झाप कर भूनने से मटन बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी सीझ जाता है। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें अच्छी तरह कि नीचे चिपके नहीं। मटर से कितना सारा तेल छोड़ दिया और देखने में कितना अच्छा लग रहा। मटन अच्छी तरह भुंजा गया, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। उसके बाद पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे झप ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए सीझने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी तरह सीझ जाए। अब इसमें गरम मसाला, जीरा गुल के पाउडर डाल देंगे और 5 मिनट के लिए उसे और खदकने देंगे।
5 मिनट के बाद उसको चेक करके देख लेंगे सीझा है कि नहीं सीझा। मेरा मटन सीझ चुका है। अगर मटन बनाने का यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।